तो स्वागत है दोस्तों आपका बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग में। हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर की शैक्षिक तकनीकी के जो बुक है उसी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, उसमें जो हम चैप्टर उठाए थे उसमें शिक्षण और अधिगम की बात कर रहे थे, वो जो चैप्टर हमारा था। तो हमने पूरी तरह से शिक्षण को भी समाप्त कर लिया है, अधिगम को भी समाप्त कर लिया। अलग अलग जब करके पढ़ेंगे तो हमने दोनों आयामों को चर्चा कर दिया है। लेकिन अब अगर बात करें शिक्षण और अधिगम को एक साथ जब बोला जाएगा कि बताइए शिक्षण और अधिगम होता क्या है, इसके बारे में बताइए इसकी विशेषता, या शिक्षण अधिगम से लेकर कुछ भी अगर बात आपसे पूछ लेगा तो वहां पर आपको वो जो हमने पहले बात बताई है उन सभी बातों को कैसे मिलाकर आप बताएंगे। तो इसीलिए आज का जो टॉपिक होगा शिक्षण अधिगम इकट्ठे पढ़ना है आपको। इकट्ठे जब पूछ लिया जाएगा तो उसको किस तरह से फ्रेमिंग करके आपको लिखना है, इसी पर आधारित होगा आज का हमारा ये टॉपिक। तो आज टॉपिक का हम नाम डालते हैं शिक्षण और अधिगम। टॉपिक का हमारा नाम क्या है बच्चों? शिक्षण शिक्षण और अधिगम। शिक्षण और अधिगम इसका मतलब क्या है? शिक्षण का मतलब होगा टीचिंग, टीचिंग एंड अधिगम का मतलब क्या होगा? लर्निंग, ठीक है ना। तो टीचिंग एंड लर्निंग शिक्षण और अधिगम की जब भी बात होगी तो क्या इसमें बात होगी, ठीक है ना। तो देखिए अच्छे से अगर आप लोग जो हम ये फ्रेमिंग कर रहे हैं यदि इस फ्रेमिंग को अपने दिमाग में बैठा लिए तो यकीन मानिए शिक्षण और अधिगम आपको लिखने के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। देखिए पहली जो हम फ्रेमिंग करेंगे उस फ्रेमिंग में क्या होगा जरा देखिए। जब शिक्षण और अधिगम की हम बात करेंगे तो इसके सबसे पहले कार्यों की बात करेंगे। किसके कार्यों की? शिक्षण है तो हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? शिक्षण के कार्यों की, यानी कि शिक्षण के कार्यों की बात करेंगे, ये बात होगी। जब इसके कार्यों की बात करेंगे तो इसके सिक्के की बात करेंगे, यानी सिक्के की अभी आप लोग समझ जाएंगे कि आखिर सिक्का मैं क्यों लिखा। फिर यहाँ पे अगली बात करेंगे तो ये पूरक की बात करेंगे, और फिर इसमें लास्ट की जो बात करेंगे वो इसमें विभिन्नताएं या संबंध लेकर बात करेंगे, यानी कि संबंधित संबंधित है। क्या है? संबंधित है, ये लेकर हम बात करेंगे। आप समझिए इस बात को, समझिए क्या हम बात कर रहे हैं। देखिए जब हम बोलेंगे कि शिक्षण के कार्यों को, तो शिक्षण के कार्य क्या है? शिक्षण के कार्य हैं कि जो अधिगम होता है उस अधिगम की प्राप्ति करना या अधिगम को प्रभावशाली तरीके से प्राप्त करना, यानी कि अधिगम को प्रभावशाली तरीके से प्राप्त करना ही शिक्षण का क्या है? कार्य। जब हम शिक्षण के कार्य को बोलेंगे तो अधिगम को जरूर शामिल करेंगे, यानी कि शिक्षण को जहां पर शामिल कर रहे हैं वहां पे आपको अधिगम को शामिल करना होगा। तो लिखेंगे शिक्षण के कार्यों के तहत हम क्या बोलेंगे? अधिगम को, देखिए अधिगम का हमने नाम ले लिया, अधिगम को क्या करना है? प्रभावशाली तरीके से प्राप्त करना, प्रभावशाली तरीके से क्या करना होता है? तरीके से प्राप्त करना होता। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी, प्राप्त करना होता है, ये बात समझ में आ गया ना। तो जब हम शिक्षण के कार्य को बोलेंगे तो अधिगम को प्राप्त करना है, और किस तरह के अधिगम को? प्रभावशाली तरीके से अधिगम को प्राप्त करने की बात करता है। जब हम बोलेंगे सिक्के, अगर हम बोलते हैं सिक्का तो सिक्के के दो रूप होते हैं, एक हेड और एक टेल। तो भारत और पैसा दो होते हैं रूप, इसी तरह से हम इसके भी दो रूप बोलेंगे। किसके? शिक्षण और अधिगम दो हैं तो इसीलिए हम दो रूप बोलेंगे, इसीलिए कहेंगे कि एक ही सिक्के के क्या है? दो पहलू हैं, दो पहलू हैं। तो ये बात समझ में आ गया कि जो शिक्षण है अधिगम है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये बात। फिर पूरक की बात करेंगे कि यह एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि शिक्षण अधिगम का और अधिगम शिक्षण का ये एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। तो लिख लेना ये भी एक दूसरे के, ठीक है ना, एक दूसरे के हैं।
क्या है? पूरक है। जब संबंधित है तो हम क्या बोलेंगे, जो शिक्षण है वो अधिगम से संबंधित है और जो अधिगम है वो शिक्षण से संबंधित है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, संबंधित कौन है, एक शिक्षण है और दूसरा हमने कहा क्या है, अधिगम है। अधिगम है तो जो शिक्षण है ये और जो अधिगम है ये एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। अगर ये एक दूसरे से संबंधित है तो कैसे संबंधित करेंगे, चाहे ये इसको प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो, चाहे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो, और चाहे यह अप्रत्यक्ष रूप से हो। कैसे हो? अप्रत्यक्ष रूप से हो, लेकिन ये संबंधित जरूर होंगे। कहने का मतलब कभी कभी शिक्षण को अधिगम के साथ ही देख लिया जाता है तो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो जाता है, कभी कभी नहीं दिया जाता है या नहीं लिखा जाता तो इसका मतलब ये नहीं है कि शिक्षण अधिगम से संबंधित नहीं है, है लेकिन वो दिखता नहीं है, इसीलिए अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में हो और चाहे अप्रत्यक्ष रूप में हो। तो ये फ्रेमिंग आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा जो हमने बोला। क्या बोला? पहले बोला कि शिक्षण के कार्यों को हमको समझना है, शिक्षण के कार्यों से क्या करेंगे, प्रभावशाली अधिगम। फिर बोले सिक्के की बात करना है, एक सिक्के के दो पहलू। फिर पूरक बोलेंगे कि एक दूसरे के पूरक हैं। फिर हम आपके बोलेंगे संबंधित है, यानी कि शिक्षण अधिगम से संबंधित है। आई थिंक ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं अपने दूसरी फ्रेमिंग पर। देखना ये, अगर ये फ्रेमिंग आपको क्लियर रहेगा तो आप लोग अच्छी तरह से याद कर ले जाएंगे। देखिए जब हम बोले हैं संबंधित है तो अब इसके बारे में हम क्या बोलेंगे, अगला जो हम फ्रेमिंग करेंगे कि इसके संबंध के बारे में बात करेंगे कि इनमें संबंध क्या है। तो इसमें जब संबंध की बात करेंगे, लिख लेते हैं यहाँ पर, किसके बारे में बात करेंगे, संबंध की। कहाँ से निकला? इस संबंधित से हमने उठाकर अगले पॉइंट को जोड़ दिया है, यानी कि जब ये संबंधित है अगला पॉइंट हमारा संबंध पर आएगा। तो संबंध पे हम क्या बोलेंगे, देखिए जैसे हमारा समाज में, हम जैसे मान लीजिए मैं हूं तो मैं समाज से जुड़ा हूं, मेरा घर जहां पर है, हम चारों तरफ अपने आस पड़ोस और समाज से जुड़े हैं और हमारा समाज में सभी लोगों से क्या है, मेल व्यवहार है, बातचीत है, यानी कि सबसे अपना संबंध है समाज में, ठीक है ना। तो वैसे जब शिक्षण की बात करते हैं तो शिक्षण जो होता है ये भी अपनी तरफ से पूरी तरह से संबंधित होता है। अब संबंधित किस तरह से है, क्योंकि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक लोग इसकी परिभाषाएं बहुत सारी दे दी हैं, इसी तरह से हम बोलेंगे कि इसकी परिभाषाएं इतनी सारी है जिस परिभाषाओं से लगता है कि ये एक दूसरे से पूरी तरह से संबंधित है। ये बात शायद क्लियर हो रहा है, परिभाषाएं बहुत सारी दे दी गई है। तो लिख लेंगे संबंध में क्या बोलेंगे कि विभिन्न परिभाषाएं हैं, क्या है, विभिन्न परिभाषाएं हैं, विभिन्न परिभाषाएं हैं। और अगर इसमें विभिन्न परिभाषाएं हैं तो इन परिभाषाओं का क्या किया जाएगा, आखिर परिभाषाएं दे दी जाती हैं तो परिभाषाओं का विश्लेषण किया जाता है कि नहीं, कि यह परिभाषा क्या बता रही है, आखिर क्या कहना चाह रही है। तो इन परिभाषाओं का क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। और विश्लेषण किसके जरिए होता है, शिक्षण के जरिए होता है। यानी कि जो आप अगला पॉइंट बोलोगे वो बोलोगे कि जो शिक्षण होता है यानी कि संबंध रखता है, ये किस तरह का संबंध, विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं की तरह संबंध रखता है। इसके इसके बारे में बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं और जब उन परिभाषाओं का विश्लेषण करते हैं तो पता ही चलता है कि इसका आपस में जुड़ाव है, संबंध है। आई बात समझ में? और ये शिक्षण के जरिए पता चलता है। तो ये अब हम पॉइंट मिटा देते क्योंकि लास्ट वाले पॉइंट से हमारा अगला कड़ी जुड़ा था, इसीलिए इसको छोड़े थे। अब अगर संबंध इतना हो गया तो अब हम क्या करेंगे, देखिए जब परिभाषाएं मनोवैज्ञानिक लोग दिए बहुत सारी परिभाषाओं, तो उन परिभाषाओं में एक रूपता पाई गई, यानी कि एक समानता पाई गई, सभी न सभी उसी मुद्दे पर जाकर बात कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा इधर उधर की बात भले थी लेकिन सभी का मत एक ही जगह पर जा रहा था। तो इसका क्या कहने का मतलब, इनका संबंध आपस में बहुत गहरा है। किसका? ये जो शिक्षण और अधिगम के बारे में बात किया गया, सभी लोग एक ही तरह के बात कर रहे थे, थोड़ा इधर उधर की थी, तो हम बोलेंगे कि इनका संबंध आपस में बहुत गहरा है। तो लिख लीजिए क्या है, संबंध बहुत क्या है, गहरा है। क्यों गहरा है?
बहुत गहरा, क्योंकि जो परिभाषा दी गई थी वो परिभाषा एक ही चीज के बारे में सभी चीज को एक ही तरह से बता रही है, तो एक ही चीज के बारे में बता रही है, तो इसका मतलब संबंध इसका आपस में बहुत गहरा है। तो ये बात क्लियर हो गया। अगला पॉइंट, जब इनका संबंध गहरा है तो अब बताइए क्या करेंगे, ये एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, जिस तरह प्रेमी प्रेम का होते हैं एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, उसी तरह से आप इसको समझिए कि शिक्षण और अधिगम है ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। तो लिख लीजिए अगला पॉइंट कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। देखिए कितना अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा, एक दूसरे के बिना क्या होगा, नहीं रह सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई ना कि एक दूसरे के बिना ही नहीं रह सकते हैं, संबंध गहरा एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। अगर ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं तो अब एक शिक्षण होता है, एक अधिगम होता है। यानी कि हमने बोला कि एक क्या होता है, शिक्षण, और अधिगम को क्या बोलते हैं बच्चों लोग, हम अधिगम को सीखना बोलते हैं। जब भी अधिगम का नाम लिया जाएगा तो आप लोग ये दिमाग में समझना, जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसे ही अधिगम बोलते हैं। तो एक शिक्षण होता है और एक अधिगम होता है। अधिगम का मतलब अभी हमने क्या बताया, सीखने की प्रक्रिया। तो शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, शिक्षण और अधिगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिक्षण और क्या बोलते हैं, अधिगम बोलते हैं। तो ये चीज शायद क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं शिक्षण और अधिगम, ठीक। तो शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को शिक्षण और अधिगम बोलते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। देखिए पहला हमने क्या बोला था, इसके विभिन्न कार्य को बोलेंगे, फिर सिक्के की बात करेंगे, एक सिक्के के दो पहलू हैं, फिर पूरक की बात करेंगे, एक दूसरे के पूरक है, फिर बोलेंगे कि ये संबंधित है चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। जब उधर का संबंधित था तो उठाकर उसको इधर ले आए कि संबंध रखते हैं। संबंध किस तरह से रखते हैं, हमने कहा इनके परिभाषाएं बहुत अधिक हैं, और जब परिभाषाओं का विश्लेषण किया गया तब पाया गया कि ये एक दूसरे के संबंध रखते हैं, ठीक है ना। तो शिक्षण से इसका विश्लेषण किया गया। अगला बात हमने किया कि जब विश्लेषण किया गया तो बहुत नजदीकी संबंध पाया गया, इसीलिए हमने बोले कि इनका संबंध बहुत नजदीकी है। फिर अगर बोलेंगे कि शिक्षण अधिगम के बिना और अधिगम शिक्षण के बिना अधूरे हैं, यानी कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। शिक्षण अधिगम की बात हो गई। फिर अगर बात करेंगे शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, शिक्षण और अधिगम बोलते हैं। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई। इन तीनों को मिटाते हैं, फिर अपने इसी लास्ट वाले पॉइंट से फिर इसको जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे शिक्षण और अधिगम को एक साथ लिख दिया, अभी तक हमने शिक्षण और अधिगम को एक साथ नहीं लिखा था, यहाँ पे परिभाषा के जरिए एक साथ लिख दिया। तो अगला जो हमारा पॉइंट आएगा कि एक साथ दिखते हैं, एक साथ क्या होंगे, दिखते हैं। अब एक साथ कौन दिखेगा बताओ, एक तो हमारा शिक्षण हो गया और एक अधिगम हो गया, तो ये एक साथ दिखते हैं, एक शिक्षण और एक अधिगम। तो ये आप क्लियर हो गया कि इधर एक साथ लिखा है, इसीलिए अगला पॉइंट हो गया कि एक साथ दिखते हैं, एक साथ दिखते हैं कौन, शिक्षण और अधिगम। अब इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि हमारा लास्ट वाले कड़ी से जुड़ा रहता था, तो इसी को हम मिटा देते हैं। जरा देखिए, जब ये बात हो गई तो अब हमारा शिक्षण थी, तो शिक्षण को लेकर हम तीनों पॉइंट को बात करेंगे। किसको, शिक्षण को लेकर हम तीनों की बात करेंगे। यहाँ भी शिक्षण को लेकर बात करेंगे, यहाँ भी शिक्षण को लेकर बात करेंगे, और यहाँ भी शिक्षण को लेकर बात करेंगे। आई थिंक बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे जो शिक्षण को लेकर बात करेंगे उसमें क्या, हम बोलेंगे शिक्षण जो होगा वो आपका, जो शिक्षण होगा वो आपका किसी भी स्तर का हो, शिक्षण किसी भी आपके विषय वस्तु से संबंधित हो, किसी भी आपका विषय वस्तु से संबंधित हो, या फिर शिक्षण आपका किसी भी चीज का हो। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, तो याद रखना इसका उद्देश्य जो होगा वो होगा अधिगम की प्राप्ति करना, और कैसा अधिगम, प्रभावशाली अधिगम। तो लिख लीजिए इसका उद्देश्य जो होता है तो वो होता है प्रभावशाली, प्रभावशाली अधिगम को प्राप्त करना, प्रभावशाली अधिगम को, अधिगम की क्या करना, प्राप्ति।
अगर प्रभावशाली अधिगम की प्राप्ति हो गई तो क्लियर समझ लीजिए कि प्रभावशाली शिक्षण की भी प्राप्ति हो गया। तो यहीं पे ध्यान देना कि प्रभावशाली अधिगम से आपका क्या होगा, प्रभावशाली शिक्षण की भी प्राप्ति होगी, प्रभावशाली शिक्षण की भी क्या होगी, प्राप्ति। तो ये देखिए, जब प्रभावशाली अधिगम होगा तो प्रभावशाली शिक्षण होगा, और जब प्रभावशाली शिक्षण होगा तो प्रभावशाली अधिगम होगा। इसका मतलब प्रभावशाली अधिगम होगा तो प्रभावशाली शिक्षण आएगा, और प्रभावशाली शिक्षण आएगा तो प्रभावशाली, तो एक दूसरे से आपस में क्या है, कनेक्ट है। तो याद रखना, शिक्षण चाहे किसी भी स्तर का हो, चाहे किसी भी विषय वस्तु का हो, या किसी भी चीज का हो, उसका मेन उद्देश्य होता है अधिगम की प्राप्ति करना, और प्रभावशाली अधिगम की। तो प्रभावशाली अधिगम की जब प्राप्ति होगा तो प्रभावशाली शिक्षण होगा। तो ये हमने पहली बात कर लिया। अगर हम दूसरी बात करें शिक्षण की, तो शिक्षण जो होता है वो अधिगम, हमने बोला शिक्षण अधिगम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, अभी हमने बताया पिछले पॉइंट में। तो ये जो शिक्षण होता है वो अधिगम का अभिन्न अंग होता है। किसका? अधिगम का अभिन्न अंग है। अगर अभिन्न अंग है तो इसका क्या मतलब है? तो इसका यही मतलब है कि अगर आपका जैसे आत्मा है और शरीर है, जब आत्मा छोड़ देती है शरीर को तो शरीर भी खत्म, आत्मा भी खत्म। इसीलिए कि शिक्षण अधिगम का अंग है, अगर शिक्षण का अंत हो जाएगा तो अधिगम का भी अंत हो जाएगा। तो लिख लेते हैं कि जब आपका शिक्षण का क्या हो जाएगा, अंत होता है, तो उसका अंत कहाँ से होता है? अधिगम से ही उसका अंत होता है। तो लिखेंगे कि शिक्षण का अंत अधिगम से ही होता है। आई थिंक ये बात क्लियर होगा। पहले हम बताएंगे जो शिक्षण है वो अधिगम का अभिन्न अंग होता है, और फिर जो शिक्षण होता है उसका अगर अंत की बात करें तो उसका अंत कहाँ से होगा? अधिगम से ही होगा। ये बात क्लियर। तीसरी बात अगर हम शिक्षण की करते हैं तो जरा देखिए, शिक्षण में आपके दो चीजें होती हैं। कितनी चीजें? दो चीजें होती हैं। एक होता है आपका छात्र, क्या होता है? एक होता है आपका छात्र, और दूसरा होता है आपका शिक्षक। दूसरा क्या होता है? शिक्षक होता है। तो हमने बोला कि जो शिक्षण होती है उसमें दो चीजें होता है। जो शिक्षक होता है वो शिक्षक क्या करता है? पढ़ाता है बच्चों को। पढ़ाने का मतलब क्या है? अधिगम की वो शिक्षण की व्यवस्था करेगा। अधिगम की नहीं, किसकी व्यवस्था करेगा? शिक्षण की। पढ़ा रहा है ना, तो पढ़ाने का मतलब व्यवस्था किसकी करेगा? शिक्षण की करेगा। तो लिख लीजिए यहाँ पे, वो क्या करेगा? शिक्षण की क्या करेगा बच्चों लोग? व्यवस्था करता है। शिक्षण की व्यवस्था करता है। अगर शिक्षण की ये व्यवस्था करता है शिक्षक, तो छात्र क्या करते हैं? छात्र जो है, जो वो व्यवस्था करता है शिक्षक, उसी व्यवस्था से क्या करेगा? अधिगम की प्राप्ति करता है। क्या करता है? अधिगम की प्राप्ति करता है। अच्छा, अधिगम की अगर ये प्राप्ति किया छात्र, यदि अधिगम को प्राप्त कर लिया यानी कि सीख लिया ना, और अगर सीख लिया तो उसके दिमाग में वो बातें बैठ गई कि नहीं? और अगर दिमाग में बैठ गई तो ये कैसी क्रिया हो जाएगी? मानसिक क्रिया। तो लिखेंगे, इसीलिए इसे कौन सी क्रिया कहते हैं? यह मानसिक क्रिया है। और जो शिक्षक होता है, जब शिक्षण की व्यवस्था करता है, तमाम विधियां व्यूह रचनाएं करता है, तो बाहरी चीज है ना, उस विधि का प्रयोग कर रहा है, उस विधि का वो शिक्षण सामग्री व्यूह रचना सभी चीजें को निर्माण कर रहा है। तो जो शिक्षक करता है वो व्यवस्था शिक्षण में, वो कौन सी होती है, कौन सी क्रिया? तो लिखेंगे वो बाह्य क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? बाह्य क्रिया। आई थिंक ये बातें आपको क्लियर हो गई। देखिए, हमने क्या बताया, हमने पिछले पे आपको छोड़ा था कि शिक्षण और अधिगम एक साथ था, एक साथ लिखा था। तो यहीं पे अगला पॉइंट होगा कि एक साथ दिखते हैं। एक साथ कौन दिखेगा? शिक्षण और अधिगम। तो शिक्षण को लेकर हमने तीनों पॉइंट को लेकर बात की, कि यहाँ भी शिक्षण की बात करेंगे, यहाँ भी, यहाँ भी। यहाँ पे शिक्षण की बात करें तो हमने कहा शिक्षण किसी भी स्तर का हो, किसी भी विषय वस्तु का हो, या किसी चीज का हो, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है कि प्रभावशाली अधिगम की प्राप्ति। जब प्रभावशाली अधिगम की प्राप्ति होगी तो प्रभावशाली शिक्षण होगा, यानी कि प्रभावशाली अधिगम, प्रभावशाली शिक्षण एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आई थिंक ये बात क्लियर हुई। जब अगले में बात करेंगे शिक्षण की, तो वो अधिगम का अंग बताएंगे,
अधिगम का अंग होने का मतलब जिस तरह से आत्मा है और शरीर है, यदि आत्मा छोड़ दी तो शरीर खत्म, और यदि शरीर छोड़ दी, शरीर खराब हो गया डैमेज, तो आत्मा छोड़ देगी, ठीक है ना। इसी तरह से आप शिक्षण और अधिगम को समझना कि इस शिक्षण का अंत हो गया तो अधिगम भी समाप्त हो जाएगा, अधिगम समाप्त तो शिक्षण समाप्त। अगला पॉइंट बताएंगे, शिक्षण को दो रूपों में देखते हैं, एक छात्र के रूप में, एक शिक्षक के रूप में। जो शिक्षक होता है वो किसकी व्यवस्था करेगा, पढ़ाने की, यानी कि शिक्षण की व्यवस्था करेगा। उसी व्यवस्था को छात्र क्या करेगा, उसी व्यवस्था से अधिगम की प्राप्त करेगा, उसी व्यवस्था से सीखने की बात करेगा। जब वो सीख लेगा, अधिगम की प्राप्त कर लेगा, तो उसकी मानसिक क्रिया होगी, क्योंकि दिमाग में बैठ गई तो मानसिक क्रिया। वहीं शिक्षक की बात करेंगे, वो तमाम विधियों का प्रयोग करता है, अनेक शिक्षा सामग्रियों का प्रयोग करता है, तो वो बाह्य क्रिया होती है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, मेरे हिसाब से आपको ये चीजें हो गई होगी। तो ये तीनों चीजों को हम इंटरलिंक करके आपको कितनी अच्छी तरह से बताए हैं, अगर आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, मतलब ध्यान देंगे तो समझने की कोई ऐसी बात ही नहीं है, कि अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो पक्का एकदम 100% है कि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा। अब यहीं पे शिक्षण को लेकर चार बातें होंगी, कुछ सिद्धांत है शिक्षण के, कुछ सूत्र है, कुछ उद्देश्य है, कुछ इसके क्या है कारक हैं। तो अगर हम इन्हीं को चारों को बात कर लेते हैं, देखिए कौन कौन से हमने बोला कि शिक्षण के कुछ उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों की बात कर लेते हैं, शिक्षण के उद्देश्य। फिर शिक्षण के हमने कहा क्या कि शिक्षण का सिद्धांत तो होता है, उस शिक्षण के सिद्धांत की बात कर लेते हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं और क्या ये काम करते हैं। फिर जब सिद्धांत की बात हो जाएगी तो शिक्षण के कुछ कारक हैं, शिक्षण के हम कारक की बात कर लेंगे कि शिक्षण के कारक कौन कौन से हैं, आखिर उस पर चर्चा। फिर लास्ट में हम बोलेंगे कि शिक्षण सूत्र होती है, क्या होता है, शिक्षण सूत्र होता है, उसके बारे में। तो याद रखना, ये देखिए शिक्षण को लेकर हमने शिक्षण के उद्देश्य की बात किया, फिर शिक्षण के सिद्धांत की बात किया, और फिर शिक्षण के आपके कारक की बात किया, और सूत्र की, इतने पॉइंटों की और चर्चा करना है। ये इसके पॉइंट की चर्चा करेंगे तो अधिगम को जोड़ेंगे ही, क्योंकि हमारा टॉपिक है शिक्षण और अधिगम, तो शिक्षण की जब बात करेंगे तो अधिगम को लेकर ही करेंगे, अधूरा नहीं छोड़ेंगे। तो जब उद्देश्य की बात करते हैं, देखिए शिक्षण का उद्देश्य समझिए, शिक्षण का उद्देश्य ही होगा कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, यानी कि छात्र को पढ़ा देना और वो सीख जाए तो उसका व्यवहार बदल जाएगा, यानी कि जो पहले वो नहीं जानता था, अब उसके बारे में जान गया, उसका व्यवहार ही बदल गया पूरी तरह से, उस चीज के बारे में सोचने का उसका नजरिया ही बदल गया। आई थिंक ये बात क्लियर होगी। तो जब भी हम बोलेंगे शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, तो आप लोग लिखेंगे कि छात्रों के क्या करना, व्यवहार में क्या करना, परिवर्तन करना होता है, छात्रों के व्यवहार में क्या करना, परिवर्तन करना होता है। एक बात समझ लीजिए, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन कब आएगा, जब शिक्षण और अधिगम दोनों एक साथ कार्य करेंगे, यानी कि जब शिक्षण और अधिगम एक दूसरे के पूरक होंगे तभी तो व्यवहार में परिवर्तन आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि शिक्षण चल रहा है, अधिगम ना हो तब नहीं हो पाएगा ये व्यवहार में परिवर्तन, यानी कि छात्र के व्यवहार में तभी परिवर्तन आएगा जब शिक्षण और अधिगम एक साथ वहां पर काम कर रहे हो, एक तरफ शिक्षण चल रहा हो दूसरी तरफ अधिगम भी चल रहा होगा, यानी कि शिक्षण और अधिगम जब एक दूसरे के पूरक होंगे उस सिचुएशन में आपके छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए क्या कि जब आपका शिक्षण और अधिगम क्या होगा, हमने कहा कि जब शिक्षण और अधिगम एक दूसरे के क्या होंगे, पूरक होंगे, तभी ये व्यवहार में परिवर्तन होगा। अब अगर शिक्षण के सिद्धांत की बात करें, क्या कहता है, शिक्षण का सिद्धांत एक ही बात कहेगा अधिगम को लेकर, क्योंकि शिक्षण की बात की है तो अधिगम को तो छोड़ेंगे नहीं, तो अधिगम को लेकर बात करेगा, क्या कहेगा, कहेगा अधिगम की गुणवत्ता को बढ़ाना, यानी कि शिक्षण का एक ही सिद्धांत है किसी भी प्रकार से सीखने की गुणवत्ता को बढ़ाना, कितना हम ज्यादा अच्छी तरह से बच्चों को सिखा दे का मतलब अधिगम को बढ़ा दे, अधिगम को बढ़ाने का मतलब उसकी गुणवत्ता को बढ़ा दे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अधिगम की गुणवत्ता को बढ़ाने का बात किया गया, क्या अधिगम की गुणवत्ता को
गुणवत्ता को क्या करने की बात किया गया है, बढ़ाने की बात किया गया, बढ़ाने की बात की गई है। तो ये बात समझ में आ गई ना, जब हम शिक्षक के कारक को समझेंगे, किसकी, शिक्षक के कारक को समझेंगे। देखिए जो विद्यालय होता है, विद्यालय में बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे, तो कारक क्या होंगे उसमें, उस विद्यालय में क्या होगा, बच्चे बहुत सारे होंगे, यानी कि बहुत सारी विभिन्नता होगी। और कैसी विभिन्नता, बच्चे हैं तो व्यक्तित्व विभिन्नता होगी, कौन सी व्यक्तित्व विभिन्नता बहुत वहां पर होगी, अभी समझना, व्यक्तित्व विभिन्नता होगी। अगर व्यक्तित्व विभिन्नता है तब फिर क्या होगा, उस बताओ बच्चे के मानसिक, बहुत सारे बच्चे हैं वहां पर, क्योंकि बहुत सारे व्यक्तित्व विभिन्नता का मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, और अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो उनकी मानसिक क्रिया एक जैसी होगी, नहीं होगी। तो मानसिक क्रिया में उन सभी के वृद्धि करना, उनके मानसिक क्रिया में यह डाल देना दिमाग में कि इस चीज को सीखना है, उनके अंदर वो ललक आ जाए, तो उनके अंदर वो तत्परता को बढ़ाना, यानी कि मानसिक तत्परता, जो कारक होगा हम उसको लिख रहे हैं, और आपको कितनी बेहतरीन तरीके से इसको बता दे रहे हैं, आप लोग इसी तरह से याद करना, मानसिक तत्परता उसके अंदर बढ़ा देने की बात कर रहे हैं, उसके दिमाग में डालना कि हमको ये पढ़ना है, और इंटरेस्ट के साथ, ऐसा नहीं कि बोझ बनाकर। जब इंटरेस्ट की बात की जाएगी तो इसका मतलब अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा की बात होगी, यानी कि किसी के ऊपर दबाव डालकर नहीं पढ़ाने की बात कर रहा है। मानसिक तत्परता बढ़ने का मतलब है कि अभिप्रेरणा, रुचि के जरिए यह बात पढ़ाने की जा रही है। तो जब इन ये सभी कारक हैं, इन सभी कारकों का यूज कर लिया जाएगा, इन सभी कारकों के तहत क्या होगा बताइए, छात्रों के अंदर क्या होगा, अधिक से अधिक अधिगम की प्राप्ति होगी। क्यों, ये सभी चीज जब छात्र में अपने मन से उनके अंदर इंटरेस्ट जागेगा, किसके लिए, शिक्षण के लिए, यानी कि पढ़ने के लिए, और सभी लोगों में जागेगा, तो बताइए अधिगम कम प्राप्त होगा कि अधिक, तो लिखेंगे अधिक से अधिक अधिगम प्राप्ति होगी। जब ये आपके कारक होंगे तो क्या होगा, लिखें अधिक से अधिक अधिगम की प्राप्ति होगी। तो अधिक से अधिक क्या होगी, अभी हमने बताया अधिगम की प्राप्ति, तो अधिक से अधिक अधिगम की प्राप्ति कब होगी, जब ये सभी कारक होंगे। आई थिंक ये बात समझ में आ रहा है। तो शिक्षण का सूत्र, फिर शिक्षण सूत्र क्या है, आई शिक्षण का सूत्र ही यह बोलता है कि हमें अधिगम को, यानी कि सीखने को बढ़ाने के लिए कुछ भी करना है, हमें अधिगम को पढ़ाना है। इसीलिए हम ये सूत्र भी जो इस्तेमाल करेंगे शिक्षण में, बहुत सारे फार्मूला होंगे, उन फार्मूलों का इस्तेमाल करने का एक ही मकसद होगा, शिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाना। क्या मकसद होता है, शिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाना, शिक्षण की गुणवत्ता को क्या करना, बढ़ाना। ये बात अगर क्लियर हो गई होगी तो बताइए हमने क्या कहा, हमने पिछले पे आपको बोला था, क्या बोला था कि शिक्षण की तीन बातों पर छोड़ा था, फिर शिक्षण के सिद्धांत, कारक, उद्देश्य और सूत्र, ये सभी चीजों की यहाँ पर चर्चा होगी। दिमाग में रखना, पहले उद्देश्य की, फिर सिद्धांत की बात करेंगे, फिर कारक की, और फिर सूत्र की। ये चीजें आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब बताओ इस सभी चीजों में हमने एक चीज बताया, अधिक से अधिक अधिगम की प्राप्ति करना, यहाँ पे अधिगम की गुणवत्ता को बढ़ाना। तो कुल मिलाकर सभी चीजों को देख रहे हैं कि अधिगम को बढ़ाने की ही बात हो रही है। किस चीज की बात हो रही है, अधिगम को बढ़ाने की। और अधिगम को यदि बढ़ाना है तो क्या किया जाए बताओ। तो अगला पॉइंट होगा, अधिक से अधिक अधिगम बढ़ाने के लिए, अधिक से अधिक अधिगम, अधिगम क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए, लिए शिक्षण में क्या करेंगे बताओ, शिक्षण में क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे। तो आप लोग लिखेंगे कि अधिक से अधिक अधिगम बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तीन चीज करेंगे। देखिए जो शिक्षक होता है उसी का पूरे तरीका होता है पढ़ाने का, किस तरह की विधि यूज कर रहा है, किस तरह के तरीके को अपना रहा, ताकि बच्चे के अंदर इंटरेस्ट जाग जाए, पढ़ने में मजा आने लगे। तो इसका मतलब शिक्षण की विधियों का इस्तेमाल करना,
शिक्षण की विधि और प्रविधि का इस्तेमाल, प्रविधि विधि और किसका प्रविधि का क्या करना बच्चों लोग, इस्तेमाल करना कि उसका इस्तेमाल करेगा। फिर हमने क्या बोला कि शिक्षक जो शिक्षक है वो अनेक प्रकार का अपना तरीका अपनाएगा, व्यूह रचना बनाएगा कि इस तरह से हम करें तो शिक्षण जो होगा बहुत बेहतरीन होगा, जिससे अधिक से अधिक अधिगम प्राप्त होगी, बच्चे ज्यादा सीख पाए। तो वो क्या करेगा, शिक्षण व्यूह रचना का इस्तेमाल करेगा। जो शिक्षक होगा वो क्या करेगा, शिक्षण व्यूह रचना का इस्तेमाल करेगा, व्यूह रचना शिक्षण व्यूह रचना बनाएगा, ठीक है ना। फिर अगला क्या होगा, आपको इस तरह से जब कोई चीज नहीं समझ में आती है तो जिस तरह से हम इसका एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, एक तरीका एक मॉडल बनाते हैं, उसी तरह से आपको वो मॉडल बनाकर पढ़ाएगा। यानी कि मॉडल का मतलब क्या हुआ, प्रतिमान। तो यानी कि शिक्षण प्रतिमान का इस्तेमाल करना, किस चीज का, शिक्षण प्रतिमान का, प्रतिमान का क्या करना, इस्तेमाल करना। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गया, अधिक से अधिक अधिगम बढ़ाने के लिए शिक्षण में ये सारी चीजों को किया जाता है। आई थिंक सभी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। तो हमने शिक्षण और अधिगम को लेकर ये सारी बातें आपको बता दी। जब भी आपको शिक्षण और अधिगम के बारे में आएगा आपको यही चीजें लिखनी है। आई थिंक बात क्लियर हो गया। अब आइए मॉडल को देख लेते हैं कि शिक्षण और अधिगम में आखिर संबंध क्या होता है। जरा देखिए, ये आपका है कौन, छात्र, इसे हम बोलेंगे कि ये है आपका छात्र। और ये आपका क्या है, ये आपका है शिक्षक, ये आपका कौन है, शिक्षक है। तो एक तरफ छात्र हो गया, एक तरफ शिक्षक हो गया, बीच में इन दोनों के बीच में देखिए, ये इससे जुड़ा है, ये वाला गोला इससे जुड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बीच में चल रहा है, इस वाले बीच को बोलते हैं कि यहाँ पे क्या चल रही है, अधिगम की प्रक्रिया चल रही है, यानी कि अधिगम प्रक्रिया है ये। क्यों अधिगम प्रक्रिया बोले, कि हमने बोला कि शिक्षक किससे जुड़ेगा, छात्र से। जुड़ने का मतलब जो शिक्षक है वो छात्र को पढ़ाएगा, शिक्षण देगा, शिक्षण देगा। तो अब ये बीच की प्रक्रिया क्या हो गई, अधिगम की, अब वो सीखने का काम शुरू हो गया, इसीलिए बोलेंगे यह अधिगम प्रक्रिया है। और पूरी यदि गोले की बात करें, यदि पूरी बात करें या पूरा क्या है आपका, तो ये पूरा आपका अधिगम होता है, ये पूरा अधिगम होता है। अब बात है बच्चों शिक्षण का आ गया, तो शिक्षक और छात्र के मध्य जब शिक्षक कार्य करेगा तो वही उसमें शिक्षण इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि शिक्षण कहाँ लिखा है, शिक्षण वही है जो शिक्षक व्यवस्था करेगा, शिक्षण का वही होगा, तो यहाँ पे शिक्षण नहीं। तो जब भी आपको शिक्षण और अधिगम में संबंध की बात होगी तो आप यही चित्र बनाना। ये चित्र किसका है, शिक्षण और अधिगम का, शिक्षण और अधिगम का ये चित्र है। जब भी आपको ये बनाने की बात की जाएगी तो आप ये चित्र भी बना दोगे तो आपके नंबर काफी अच्छे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज हम चित्र की भी बात कर लिए। अब थोड़े से मनोवैज्ञानिक लोग हैं जो शिक्षण और अधिगम के बारे में बात किए हैं, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए तीन मनोवैज्ञानिक हैं। पहले मनोवैज्ञानिक है बनार्ड, कौन है, बनार्ड है। दूसरे मनोवैज्ञानिक है बर्टन, बर्टन है। और तीसरे मनोवैज्ञानिक है आपके स्मिथ, कौन है, स्मिथ। ये तीन मनोवैज्ञानिक जो हैं ये आपके शिक्षण और अधिगम को लेकर बात बताए हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि जो आपके बनार्ड है, बनार्ड साहब ने क्या बोला है। तो बनार्ड ने बोला है कि एक तरफ आपका शिक्षक होता है, एक तरफ आपका छात्र होता है। शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर क्या काम करते हैं, अधिगम को ही तो बढ़ाते हैं। शिक्षक जो होता है शिक्षण की व्यवस्था करके छात्र को देता है, और छात्र उस व्यवस्था से क्या करता है, अधिगम की प्राप्ति करता है। तो कुल मिला के अधिगम को बढ़ावा देते हैं शिक्षक और छात्र मिलकर। तो यही बात बनार्ड ने बोला है, क्या बोला है कि शिक्षक और छात्र मिलकर, शिक्षक और छात्र होते हैं ये लोग क्या करेंगे, मिलकर क्या करेंगे, अधिगम को बढ़ावा देते हैं, क्या करेंगे, अधिगम को क्या करेंगे, बढ़ावा देते हैं। ये बात क्लियर हुआ। अगर अधिगम को बढ़ावा देते हैं तो इसमें हमने बोला कि एक शिक्षण होता है और एक अधिगम होता है। तो जो आपका
बर्नार्ड साहब थे, उन्होंने कहा कि जो शिक्षण होता है वो क्या होता है, उन्होंने शिक्षण को कार्य से बोला है कि शिक्षण एक कार्य है। तो उन्होंने बोला कि शिक्षण एक क्या है, कार्य है। क्यों कार्य है? क्योंकि जो शिक्षक है वो पढ़ा रहा है, उसकी व्यवस्था कर रहा है, तो कार्य कर रहा है। और अधिगम क्या है? अधिगम का मतलब बच्चों है कि जो छात्रों को सीख गए ज्ञान प्राप्त कर लिया, यानी कि उपलब्धि है, यानी कि आप ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उसकी उपलब्धि सक्सेस हो जाएगी। तो अधिगम क्या होती है? उपलब्धि होती है। आई थिंक आप लोग समझ गए कि जो बनार साहब थे उन्होंने कहा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक और छात्र मिलकर करते हैं कार्य, और जिसमें शिक्षण एक कार्य होता है और अधिगम उसकी क्या होती है, उपलब्धि होती है। तो बनार साहब ने यह बात कहा था, तो ये चीज आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है ना? अगर नहीं नोट कर पाए तो वीडियो को पॉज करके आप लोग फिर से लिख लेना। अब अगर बर्टन साहब की बात करते हैं, तो बर्टन साहब ने क्या कहा था? बर्टन साहब ने शिक्षण को लेकर तीन बातें बताई थी। किसको? शिक्षण को लेकर आपकी तीन बातें बताई थी। और वो तीन बातें क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि सबसे पहले जो बच्चा होता है, बच्चे के अंदर वो चीज जगाना होता है ताकि उसके अंदर वो चीज जब जग जाए। वो चीज का मतलब क्या है? शिक्षा ग्रहण करने की लगाव। तो जग जाएगा तभी वो पढ़ेगा, यानी कि जगने का मतलब होता है उसके अंदर उद्दीपन क्या हो जाए, उद्दीपन शुरू हो जाए। उद्दीपन का मतलब वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए क्या हो जाए, उसके अंदर लगाव शुरू हो जाए। जब उद्दीपन उसके अंदर जग जाएगा तो अब उसका पथ प्रदर्शन भी अच्छी तरह से होने लगेगा, मतलब अब उसको अपना रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो अगला होगा पथ प्रदर्शन, पथ प्रदर्शन होगा। तो एक बात ये होगा, जब उसका पथ प्रदर्शन भी क्लियर हो जाएगा तो अब उसके अंदर और भी उत्साह हो जाएगी। अब आएगा उत्साह वर्धन। क्या आएगा? उत्साह वर्धन। तो ये जो चीजें होती हैं शिक्षण में, अगर ये तीनों चीजें हैं तो यकीन मानिए कि सीखने के लिए आप लोग जो बच्चे होते हैं वो एकदम तत्पर हो जाते हैं। तो इन तीनों चीजों से क्या हो जाती है, क्या किया जाता है, इन तीनों चीजों को सीखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इन तीनों चीजों को सीखने के लिए यूज किया जाता है, जो शिक्षण की ये तीन विधियां हैं। तो यही चीज आपके किसने बताया था? बर्टन महोदय ने बताया था। आई थिंक ये बात भी क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं स्मिथ की बात कर लेते हैं। जो स्मिथ है, स्मिथ ने क्या कहा था? स्मिथ ने बोला था कि जो आपकी शिक्षण होती है, उन्होंने शिक्षण के बारे में बात किया, क्या कहा? कहा कि जो शिक्षण होती है वो ऐसी क्रियाओं का समूह होती है। क्या होती है? शिक्षण जो होती है वो ऐसी क्रियाओं का समूह है, ऐसी क्रियाओं का क्या है बच्चों लोग, समूह है। ऐसी कैसी क्रियाओं का समूह है ये बताओ, ये तो हमें नहीं पता। तो ऐसी क्रियाओं का समूह है जो, यानी कि जिसमें क्या होता है, जिसमें अधिगम को तो हमें लेना ही ना, क्योंकि शिक्षण की बात की है तो अधिगम को लेना है। तो ऐसी क्रियाओं का समूह है कैसी, जिसमें जिसमें क्या किया जाए, अधिगम को उत्पन्न करने का कार्य किया जाता है। अधिगम को क्या, उत्पन्न करना या फिर अधिगम को प्रेरित करना। तो अधिगम को उत्पन्न या प्रेरित करने का क्या किया जाएगा, कार्य किया जाता है। तो आई थिंक ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी जो हमने इसमें साहब की बात बताई। तो देखिए, हमने पूरी तरह से शिक्षण और अधिगम को लेकर पूरी तरह से सारी बातों को बता दिया कि इसमें लेखक क्या कह रहे हैं, मनोवैज्ञानिक जो लेखक हैं कौन है, तीन लोग हैं उसके बाद। बस एक शिक्षण और अधिगम का फ्लो चार्ट देख लीजिए, जरा देखिए। एक तरफ हमारा होता है अधिगम। क्या होता है? अधिगम। अधिगम का मतलब बच्चों लोग हमने क्या बताया कि अधिगम का मतलब होता है सीखना, और अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। अगर अंग्रेजी में बात करें तो लर्निंग होता है अधिगम का मतलब। तो एक तरफ ये हो गया, यानी कि जब हम बात करेंगे अधिगम की तो ये हमारा अधिगम हो गया। दूसरी तरफ जब हम बात करेंगे तो ये आपका शिक्षण होगा, तो जो आपका ये बना ये आपका शिक्षण हो गया। ये आपका क्या हो गया? शिक्षण। शिक्षण का मतलब बच्चों क्या हुआ कि
कि आपका टीचिंग हुआ, तो यहाँ पे लिख लीजिए शिक्षण का मतलब टीचिंग। तो जब आपके शिक्षण और अधिगम की बात किया जाएगा, एक चार्ट ये भी बनाना जिसमें शिक्षण और अधिगम की ये बात होगा। तो ये भी आपको अगर आप लोग बना लेंगे तो आपका नंबर वहाँ पे अच्छा मिलेगा। तो हमने शिक्षण और अधिगम को बेहतर नहीं बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाने की कोशिश किया। अगर आप ये पूरी तरह से वीडियो देखेंगे अच्छी तरह से, तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से 100% समझ में आएगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें कोई चीज़ समझ में ना आए, क्योंकि हमने सभी चीज़ों को एकदम खोल के ही रख दिया है कि इसमें कोई चीज़ बचे ही ना जो आप समझ ना पाए। एक चीज आप लोगों से गुजारिश है, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरी एक गुजारिश यही है कि इतना आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं, आप लोग इसे सब्सक्राइब और दूसरों को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि शेयर करेंगे तो लोगों के व्यू बढ़ेंगे, तो हमें उनके कमेंट देखने को मिलेंगे। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कि किस तरह की वीडियो है, ये कैसा जा रहा है, तो कमेंट अगर आएगा तो हम और उसे अपना सुधार करेंगे और अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम कोई चीज ऐसा नहीं है कि जो छोड़ते हैं, लेकिन आपका कमेंट हमें जरूरी है जानने के लिए कि क्या किस तरह से और क्या किया जाए, ठीक है ना। तो आप लोग ये काम करना और ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।